Okay, now let's start with the next concept, that is pair of straight line. ठीक है तो लिख दिया इसको. अच्छा क्या है पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके लिए डिस्कस करते हैं. अब तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं. ठीक है, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब बेसिकली क्या होगा, कैसे कुछ दो लाइन होगी और उसका मुझे क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन लिखना है. ये L1 ले लिया, ये L2 ले लिया. ठीक है, मैंने बोल दिया L1 क्या है, यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये कितना हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया. ठीक है, मान लिया इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना a है, यहाँ कुछ b ले लिया, यहाँ कुछ c ले लिया. ठीक है, मुझे क्या करना है, इसका जॉइंट इक्वेशन लिखना है. मतलब मुझे ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें L1 पे जितने पॉइंट्स हो और जितने L2 पे पॉइंट्स हो सारे सेटिस्फाई होना चाहिए. ठीक है, तो सीखना है हमें कैसे लिखना है इसको, लिखते हैं इसको. तो ऐसे लिख दिया जॉइंट. ठीक है, जॉइंटली बोलते हो या कंबाइंड भी बोल सकते हो. ठीक है, जॉइंट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 और L2, इसको ऐसे लिखते हैं. ठीक है, एज ये हो जाएगा इस तरह से L1 × L2 = 0. ठीक है, अच्छा L1 × L2 कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होने वाला है कि दो स्ट्रेट लाइन मल्टीप्लाई हो रही है. अगर दो स्ट्रेट लाइन मल्टीप्लाई हो रही है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी आएगा, वाई स्क्वायर वाला टर्म भी आएगा, एक्स इंटू वाई वाला टर्म भी आएगा, सिंपल एक्स वाला भी टर्म आएगा, वाई वाला टर्म भी आएगा और कॉन्स्टेंट टर्म भी आएगा. आई होप समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं. ठीक है, जैसे इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 × ये कितना हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 हो गया. ठीक है, ये हो गया जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन. अच्छा, इसमें मैंने क्या बोला तुमको कि मुझे ऐसा लाइन चाहिए, मतलब मुझे इस तरह से इक्वेशन चाहिए जहाँ पर क्या होना चाहिए कि L1 पे लाई करने वाला जितना भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, देखो यहाँ देखो डायग्राम है, L1 में लाई करने वाला जितना भी पॉइंट्स है और L2 पे लाई करने वाला जितना भी पॉइंट्स है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ. जैसे मुझे ये बताओ, अगर समझो मैं ए को सेटिस्फाई करा रहा हूँ इस पे सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या, L1 पे ए सेटिस्फाई करा दिया और L2 पे ए सेटिस्फाई करा दिया, तो क्या ये जीरो बनेगा? हाँ, ये जीरो बनेगा. क्यों? क्योंकि ए वाला क्या है, L1 पे भी लाई करता है, L2 पे भी लाई करता है, तो ये जीरो बनेगा और ये भी जीरो बनेगा, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. जीरो होने का मतलब क्या है, वो सेटिस्फाई हो रहा है. आइए समझ में आ रहा है ये चीज़. ठीक है, फिर वैसे ही क्या किया मैंने, बी वाले पॉइंट के लिए चेक किया, तो यहाँ पर क्या रख दिया इसको, बी वाला पॉइंट रखा. इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये L1 पे B हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, L2 पे B हो जाएगा. अच्छा, इसके लिए क्या होगा, अब इसके लिए ये वाला तो जीरो नहीं होगा पर ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि B वाला पॉइंट L1 पे लाई करता है. तो ये भले जीरो नहीं हुआ तो क्या हुआ, एनी हाउ उनका प्रोडक्ट तो क्या हो रहा है, जीरो ही हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, जीरो. इसका मतलब जितने पॉइंट्स L1 पे लाई करते हैं, B तो एक रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट्स का, जितने पॉइंट्स L1 पे लाई करते हैं उसको सेटिस्फाई करेंगे. सिमिलरली सी के लिए क्या हो जाएगा, मैं इसमें यहाँ पर सी रख दूंगा. आई गेस सब समझ में आ गया होगा, इसमें मैं सी रखूंगा. ठीक है, इसमें मैं सी रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो नहीं हो पाएगा. ठीक है, ये जीरो नहीं हो पाएगा पर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो मिला के क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा. इसके मतलब ये है कि जितने भी पॉइंट्स हैं जो L1 पे है, जो L2 पे है, वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे. आई होप समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, और जब मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक 2 डिग्री इक्वेशन बनेगा. तो मैं ये समझ में आना चाहिए. ठीक है, 2 डिग्री इक्वेशन बनने वाला है. क्यों? एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स इंटू वाई का टर्म आएगा. ठीक है, और उसके बाद में एक्स का भी टर्म आएगा, वाई का भी टर्म आएगा और कुछ कांस्टेंट टर्म भी आएगा. आई होप पीछे समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो इसको हम लोग चालू करने से पहले क्या करते हैं, कुछ नोट लिख लेते हैं. तो एक एक करके नोट लिख लिया, जैसे नोट. ठीक है, इसमें लिख लिया फर्स्ट नोट. सबसे पहले क्या लिखा, वी कंसिडर पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एज अ कोनिक कर्व. अच्छा, अभी तक हमने कोनिक पढ़ा नहीं, कोनिक हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे. पर कोनिक कर्व का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कोनिक कर्व उन सबको बोलता हूँ, जैसे सर्कल हो गया. ठीक है, कोनिक कर्व किसको बोल रहा हूँ मैं, सर्कल हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, पैराबोला हो गया, जो हमारे सिलेबस में है, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया. ठीक है, उसके बाद में हाइपरबोला हो गया. तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी हम क्या कंसिडर करेंगे, कोनिक कर्व ही कंसिडर करेंगे. क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सर्कल हो जाए, पैराबोला हो जाए, एलिप्स हो जाए, हाइपरबोला हो जाए, इन सब की इक्वेशन भी क्या होता है, 2 डिग्री इक्वेशन होती है.
ठीक है, और पैरा और स्ट्रेट लाइन की भी इक्वेशन कैसी है, 2 डिग्री इक्वेशन है, तो मैं इसको एज अ कोनिक कर्व की तरह ही कंसिडर करूंगा। अच्छा, कोनिक कर्व की तरह कंसिडर करने का मतलब ये है, दैट इज ऑल द रूल्स ऑफ कोनिक इज एप्लीकेबल, ठीक है, इज एप्लीकेबल फॉर पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन, इज एप्लीकेबल, ऐसे लिख लिया हेयर, हेयर मतलब पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। तो पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि हम लोग किसको कोनिक कर्व क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इसका सारे कोनिक कर्व 2 डिग्री की इक्वेशन होता है। तो अगर 2 डिग्री की इक्वेशन लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे पास 5 ऑप्शन है, या तो वो क्या हो जाए, सर्कल हो जाए, या तो वो पैराबोला हो जाए, या तो वो एलिप्स हो जाए, या तो वो हाइपरबोला हो जाए, या तो वो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाए। अब कौन सा क्या होगा वो तो आगे डिपेंड करता है, वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया नोट वन। सेकेंड नोट यहाँ पर क्या है, अच्छा पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो मैंने ये तो हमारे सिलेबस में है, अगर समझो मैंने बोल दिया तुम कुछ भी निकालो, मैंने बोल दिया जॉइंट इक्वेशन ऑफ कर्व निकाल दो, तो हमेशा तुम क्या करो, मल्टीप्लाई कर दिया करो। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, मल्टीप्लाई करने से ये होता है कि सारे जितने पॉइंट्स हैं जो दोनों कर्व में लाई करेंगे वो दोनों उसको सेटिस्फाई करेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ देखा। अच्छा, फैमिली ऑफ लाइन से इसको कन्फ्यूज मत होना, तुमने ये सोचा कि फैमिली ऑफ लाइन में तो मैंने ऐड किया था, फैमिली ऑफ लाइन में इसलिए ऐड किया था, पहली बात तो वो लाइन बनना चाहिए, और दूसरी बात सिर्फ ए वाला पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए इसमें, मतलब सिर्फ L1 और L2 का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, ठीक है। डायग्राम में देखो सी वाला पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए, बी और सी थोड़ी ना होगा, अरे समझ में, मतलब पहले बात तो लाइन हो और ए वाला पॉइंट सेटिस्फाई, इसमें तो क्या बोल रहा है L1 और L2 के सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्या बोल लिख रहा हूँ कि इवन इफ 2 कर्व्स आर गिवन, ठीक है, 2 कर्व्स समझो ऐसे लिखा, दैट इज ऐसे लिखा S1 और S2, इस तरह से लिखा है, ठीक है। कर्व को हम लोग जनरली S से रिप्रेजेंट करते हैं, इवन इफ 2 कर्व्स आर गिवन देन ऐसे लिख लिया, देन जॉइंट इक्वेशन विल बी इस तरह से हो जाएगा, ये कैपिटल S हो गया, ये हो जाएगा S1 × S2 = 0। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो तुम निकालो पैर ऑफ सर्कल निकालो, ठीक है, तो पैर ऑफ सर्कल कैसे निकाला, दोनों सर्कल को मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप पीछे समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ओके। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करने के लिए तुम RHS को 0 बनाओगे, मतलब लाइन को एक तरफ रखोगे तो फिर जाके मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधी लाइन इधर है आधी लाइन उधर है फिर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इसको मैंने चलो लिख ही दिया, थर्ड क्या लिख दिया, टू मेक joint equation make RHS 0, ठीक है। मतलब जैसे इस तरह से हमने किया है, ये यहाँ पर देखो इधर देखो, ठीक है, ये जो लिखा है मैंने इसमें क्या है, RHS मैंने इधर लिख किया है, इसको यहाँ पर क्या किया, 0 बनाया, इसको यहाँ 0 बनाया, किधर देखो, इधर देखो लाइन पे देखो, ये 0 बनाया इधर, ये 0 बनाया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। मतलब अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे बनना चाहिए, FXY एक साइड आ जाए, ठीक है, दूसरा GXY एक साइड आ जाए, और फिर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ऐसे नहीं करोगे कि समझो X+Y = 2 लिखा है, यहाँ पर मैंने ले लिया कुछ 2X - Y = 5 लिखा है, तो तुमने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, तुमने बोल दिया इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ पर 10 कर दिया, तो ये गलत है, ये गलत है, इस तरह से नहीं करोगे, सबको एक साइड लेके आओगे और उसके बाद में तुम इसको यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। आई होप पीछे समझ में आ रही है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं नोट को आगे, नोट 4 क्या लिख दिया, अ जर्नल, ये तो हम लोग लिखा चुके हैं, अ जर्नल 2 डिग्री इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं बताओ, अ जर्नल 2 डिग्री इक्वेशन को हमेशा किस तरह से लिखा जाता है, इन जर्नल 2 डिग्री इक्वेशन इन, चलो ऐसे लिख लिया, X and Y कैन be given as, ऐसे लिख लिया, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। आई होप समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं सब, ओके, ठीक है। कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ पर X² का भी टर्म होगा, Y² का भी टर्म होगा, X * Y का भी टर्म होगा, X का भी टर्म होगा, Y का भी टर्म होगा, और एक कांस्टेंट टर्म भी होगा, ओके। और कोई भी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये मुझे क्या क्या रिप्रेजेंट कर देगा, ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मुझे सर्कल भी रिप्रेजेंट करेगा, ये पैराबोला भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है,
ये एलिप्स भी रिप्रेजेंट करेगा और ये हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर समझो कोई दो डिग्री की इक्वेशन दे रखी है तो मुझे नहीं पता कि वो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, वो तो एलिप्स है। उसके लिए तो क्या होगा, अलग अलग कंडीशन होगा जो कि हम क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए तो अभी इतना पता कर लिया कि कोई भी टू डिग्री इक्वेशन लिखा है वो ये सब रिप्रेजेंट करता है। इन सबको हम क्या मिलाते हैं, मिला के कॉनिक्स। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अच्छा पहली बात तो ये डिस्कस करते हैं कि ये बनता कैसा है कॉनिक्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ ले लिए, चलो इस तरह से क्या किया मैंने, कॉन्स ले लिए। ठीक है, दो कॉन्स ले लिए। मैं बता रहा हूँ कि कैसे बनाया गया है कॉनिक्स को, यहाँ पर ऐसे ले लिया। अब क्या करते हैं, इसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, कैसे कट किया देखो, ये ऐसा कोई कोन है तो मुझे ये बताओ, अगर समझो मैं इसको इस तरह से यहाँ से काटता हूँ, तो अगर तुम यहाँ नीचे से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। तो यहाँ से क्या किया, सर्कल जनरेट किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोन्स लिए हैं। ठीक है, कोन से नाम आया कॉनिक्स, फिर क्या किया, कोन को अलग अलग तरीके से काटा गया। तो अगर मैं ऐसे काटूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे अगर पैराबोला चाहिए तो मैंने क्या किया, इसको इधर से काट दिया। ठीक है, जब तुम इधर से काटोगे और इधर से व्यू करोगे तुम्हें इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अच्छा इलिप्स कैसे होता है, इलिप्स कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ऐसे होता है इलिप्स। ठीक है, सर्कल नहीं होता, थोड़ा सा ओवल शेप का होता है, ऐसे इलिप्स होता है। हाइपरबोला कैसे होता है, हाइपरबोला इस शेप का होता है, ये ऐसे। ठीक है, पैराबोला क्या कैसे शेप का होता है, जो अभी हमने बनाया, पैराबोला ऐसे शेप का होता है, सिंपल ऐसे शेप का होगा। ठीक है, या उल्टा और ऐसे शेप का हो जाएगा। अच्छा, मिला के नहीं होगा, मिला के तो हाइपरबोला होता है। अच्छा, ये भी मत बोलना कि हाइपरबोला दो पैराबोला से बनता है, नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाइपरबोला अलग चीज़ है, पैराबोला अलग चीज़ है। ठीक है, और सर्कल तो हमें पता ही है कैसे बनता है, सर्कल कैसे हो गया, ऐसे ये बन गया सर्कल। ठीक है, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे हो गया, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब दो लाइंस को मिला के ये है पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या करना है मुझे, ये सब डायग्राम्स देखने हैं मुझे कैसे कौन से बनेगा। तो मुझे बताओ इलिप्स कैसे बनाऊंगा मैं, तो इलिप्स मैंने कैसे बना दिया, जैसे सर्कल को तो मैंने क्या किया था, ऐसे काटा था। इलिप्स के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्लैंट काट दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा स्लैंट काट दूंगा, अगर मैं थोड़ा सा स्लैंट काटूंगा तो मुझे इस तरह से शेप दिख जाएगा। इसको मैंने क्या बोल दिया, इलिप्स। आई होप ये फाइन, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, पैराबोला निकाल लिया मैंने, इलिप्स निकाल लिया, सर्कल निकाल दिया, हाइपरबोला बचा है। तो हाइपरबोला के लिए मैंने क्या किया, देखो मैंने किस तरह से काट रहा हूँ, मैंने इसको ऐसे काटा, देखो इस तरह से, एक तो यहाँ से ऐसे काटा, साथ में इसको लेके गया और इतना ऐसे काट दिया। ठीक है, इस तरह से काट दिया। जब तुम यहाँ पर देखोगे इसको ऐसे काटते हुए, तो तुम ऊपर तो तुम्हारे पास ऐसे आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा, हाइपरबोला। आई होप समझ में आ रहा है ये चीज। तो ठीक है, ये चीज तो हो गया, तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहाँ दिख रही है बताओ, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन एकदम सामने नजर आ रही है। वो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ये है, देखो ये कोन का ये हो गया, इसको बोल रहे हैं पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये है पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये है पूरा पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया कैसे कौन से ये सर अलग अलग डायग्राम बन रहे हैं। और हमें इतना ही पढ़ना है, तुम बोलोगे सर इसको ऐसे ही क्यों काट रहा है, इसको अलग तरीके से क्यों काटा, नहीं ऐसा नहीं है, इसको इस तरह से ही काटेंगे और कोई तरीके से नहीं काटेंगे, बाकी तरीके से भी काट सकते हैं पर वो हमारे सिलेबस में नहीं होगा। आई होप दिस इज फाइन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, फोर्थ नोट हो गया। ओके,